हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 8 बजे में और हम लोग जा रहे हैं ब्योली के मायके पगफेरे के लिए। तो ये रास्ते का व्यू है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। तो मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ रास्ते का सुंदर व्यू उत्तराखंड का। ये वहां परियारा जी मैदान। हम जा रहे बिताल घाट वाली रोड पे और नीचे है सुंदर शहर बिताल घाट। इसके किनारे बसी हुई ये नदी किनारे बसा हुआ शहर है। वहां चले गए नैनीताल। नैनीताल नहीं पर नैनीताल में मेरे ख्याल से ना। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपनी ममता के मायके जहाँ हम बारात में गए थे। बहुत खुश। और ये उनके सारे खेत, ये ऊंचा सा पहाड़, ये ऊपर गांव, ये सारे खेत, इनमें गेहूं उगाया हुआ है। वो सामने कोसी नदी। मैं आपको ये सारा गांव दिखा रही हूँ, इनके चौड़े चौड़े बड़े बड़े खेत। इनके खेतों में धान बहुत होता है, चावल बढ़िया क्वालिटी का धान होता है इन खेतों में। हमने कर लिया गांव के अंदर एंट्री, बेताल घाट का जो गांव है। गांव में ऐसे छोटे छोटे रास्ते बनाए होते हैं खेतों के बीच में से। ये खेत ये गांव के घर। हमने गांव में जो हमने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी बहुत ही पसंद आई, बहुत अच्छा लगा गांव में। और ये इनके आम के पेड़, ये उगा हुआ गेहूं, छोटे छोटे भी निकला हुआ अंकुर इनमें। वो मारने को आ रहा है, रहने दे, जोर जोर तोड़ देगा अपना रस्सी। चलो, नाक को पकड़ने से चुपचाप ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने कर लिए गांव में एंट्री। ममता का घर आने वाला है। मुझे लगता है रोड से और ममता के घर की दूरी लगभग 500 से 600 मीटर के आसपास रह होगी। ये कोई आधा किलोमीटर के आसपास, लेकिन मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है ज़्यादा। मेरे यूट्यूब चैनल है ना, आप सब उसमें आओगे। अच्छा अच्छा। तो भी आ गई वीडियो बन गई।
नया ट्रेंड चला है। हाँ पहले पहले तो फ्रेंड्स हम ममता का पग फेरे करा के अब जा रहे हैं अपने घर वापस। ममता के सारे रिश्तेदार आए वो सबसे मिल के आवा आ रही है। उसका सबसे मिलना हो रहा है। तो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है हम जा रहे हैं गाड़ी पे। ये है यहाँ का इलाका बेताल घाट का है। नजदीक एक छोटा सा गांव है मल्ली सेठी नाम का वो गांव है बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये जो ममता का मायका आओ बेटा बाय। खेत यहाँ के बड़े बड़े ये ममता की बहन है जो हमको नीचे रोड तक छोड़ने आ रही है। पीछे वाली मीरा नहीं तुम्हारा नाम काजल 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 हाँ मेरे से जो पीछे है वो काजल उससे पीछे मीरा। और इनके यहाँ का ना धान बहुत अच्छा होता है चावल। तो ये चावल लेके हाँ इन 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 लोगों ने हमें चावल दिए तो वो चावल लेके आ रही है। और बाकी लोग पीछे ममता अपने फैमिली मेम्बर जो इनके मायके वाले उनको पर नाम करके आ रही है सबको मिलती हुई। ये आसपास का एरिया खेत अभी सूखे पड़े हुए यहाँ क्या बोया हुआ गेहूं अभी गेहूं अभी हाल ही में बोया। अब बरसात के इसमें सिंचाई करेंगे या बरसात के बाद आएगा इस अंकुर फूटेगा सिंचाई करेंगे है ना। चलो आगे आगे। हेलो गाइस ये लड़की भी जानती है हेलो गाइस पर मैं गाइस नहीं कहती हूँ मेरे को गाइस वर्ड सही नहीं लगता। बुरा तो लगेगा ही मायके आई है वो तुझे क्यों लग रहा है। ये धान के खेत धान है क्या है इनमें गेहूं। चल अब हम पहुंच गए हैं रोड के किनारे जहाँ पे हमारी खड़ी है गाड़ी। और ये छोटे छोटे बच्चे क्या नाम है बेटा तुम्हारा विनीता और उसका क्या नाम है इसका मैं गाड़ी नहीं।
लो। अरे खींच रहे इसे, तू वो लग रही ना धूप आंखों में। आगे चल, आगे चल जाओ। आ रहे सब, आ रहे खींच बनी, खींच दिए। तू भी आ जा पीछे, तुमने तो इसके जूते देने नहीं थे, दे दिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो भी जाता है एंडिंग की तरफ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए हमारे चैनल पर, और हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।